हेलो दोस्तों, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि इस भर्ती पर जो सुनवाई है, अंतिम जो सुनवाई है, जो यहाँ पर इस भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, वो कब हटने वाला है, क्या इस भर्ती पर कल है? ठीक है, कल यहाँ पर आप सभी को पता है 19 अक्टूबर है, तो क्या 19 अक्टूबर को कल इस भर्ती पर सुनवाई होगी? इसको लेकर क्या ऑफिशियली जो क्या अनाउंस हो चुका है, तो रिजल्ट और नियुक्ति को लेकर क्या अपडेट रहेगा, क्या रिजल्ट दे देंगे, ठीक है, नियुक्ति दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, या फिर कल जो फैसला होगा उसमें क्या भर्ती ये रद्द हो जाएंगी, यानी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर क्या अपडेट है, इस वीडियो में आप सभी को अपडेट बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सबसे पहले आपको राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 2023 को लेकर किसी भी प्रकार के अपडेट देखने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट को विजिट करना होगा, डिक के रिजल्ट को, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सर्च करना है, ठीक है, डिक के रिजल्ट। जैसे आप डिक के रिजल्ट को सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट जो वेबसाइट आपके सामने जो यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं https.dickresult.com, ठीक है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपडेट आया है, ठीक है, कि अपडेट क्या आया है, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चयन लिस्ट है, जिन जिन दोनों आवेदन किया है तो क्या डिस्ट्रिक्ट की संख्या रही है, कितने ने जो यहां पर इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो यहां पर यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, एक अपडेट आया था, एक ऑफिशियली अपडेट यह आया था कि आचार संहिता के दौरान विभागों ने शिथिलता संबंधित प्रकरणों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई थी, यानी आचार संहिता आप सभी को लगी हुई है, लेकिन उसी के दौरान जो भर्ती जो यहाँ पर भर्ती जो प्रक्रियाधीन जो भर्ती है, यानी जिनका रिजल्ट बाकी है या फिर जिनकी नियुक्तियाँ बाकी है, ठीक है, या फिर जिन पर सुनवाई होना बाकी है, जैसे आप सभी को बताएं जो सफाई कर्मचारी वाली जो भर्ती है वो भी क्या हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, तो जो सुनवाई संबंधी है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो ये जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पर बहुत सारी जो भर्ती है उनको क्या दिया गया, यहाँ पर अनुमोदन दिया गया। तो यहाँ पर कल आपके 19 अक्टूबर 2023 कल तक आपको यहाँ पर कल महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। क्या ये भर्ती रद्द होगी? तो भर्ती मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि भर्ती रद्द नहीं होगी, ठीक है, भर्ती किसी प्रकार से यहां पर रद्द होने वाली नहीं है, ये कंफर्म कर लीजिए। अब कल क्या फैसला होगा, जो भी अपडेट रहेगा, सबसे पहले आपको यहां पर dickresult.com वेबसाइट को विजिट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यहाँ पर अभी आपको विजिट करके जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।